दोस्तों हमारे पास सामने एक पेशेंट बैठे हैं जिनकी वाइफ को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज था, उसके लिए डॉक्टर ने इंसुलिन लगाया लेकिन दुर्भाग्य से इंसुलिन के बावजूद भी बच्चा खराब हो गया। तो उनके मन में सवाल है कि क्या इंसुलिन की वजह से बच्चा खराब हुआ, क्या ये सवाल है आपका ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि इंसुलिन क्या लगता है इंसुलिन की वजह से बच्चा खराब हुआ, ये लगता है आपको? हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा, और कोई सवाल? फिर बच्चा भी हुआ नहीं अभी तक? कोई बच्चा हुआ नहीं? नहीं, उसके बाद बच्चा डेथ होने के बाद फिर कंसीव करी नहीं अभी तक। तो सुन लीजिए, जब भी प्रेगनेंसी जब भी किसी डायबिटीज होता है, अभी डायबिटीज है कि नहीं? तो जब भी अगर जान लो जब भी डायबिटीज होता है तो प्रेगनेंसी में डायबिटीज प्रेगनेंसी उनको होना है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी केवल तीन ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है कि गोलियों में एक मेटफॉर्मिन गोली होती है, वो सेफ होती है। दूसरी ग्लिबेनक्लमाइड गोली भी कुछ स्टडी में सेफ पाई गई हैं, पर अभी भी कोई अधिकांश डॉक्टर्स को लिखते नहीं है। ग्लिबेनक्लमाइड जो गोली आती है, 99% लोग के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंसुलिन ही देना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, इंसुलिन जो इंजेक्शन होता है प्रोटीन होता है, जो इंजेक्ट करते हो तो ये ब्लड में जाने के बाद शुगर, माँ का शुगर कम करता है। बट जो बेबी प्लेसेंटा से अटैच होता है ना, पता है बेबी प्लेसेंटा अटैच होता है। अच्छा, मैं दिखाता हूँ, फोटो दिखाता हूँ। प्लेसेंटा बेबी, तो जब बेबी प्लेसेंटा अटैच होता है, एक फोटो फोटो आएगा, ये देखो, ये हाँ, ये तो बेबी प्लेसेंटा से अटैच है, ठीक है। तो जो माँ का ब्लड जाता है तो उससे न्यूट्रिशन बेबी को मिलता है, प्रोटीन ग्लूकोज यहाँ से मिलता है। बट दवाएं मेटफॉर्मिन जो बोला वो भी सेफ होता है, बट ये क्रॉस करता है। अच्छा, अब जो दिखा ली लिपिड प्रोफाइल, बस और कुछ नहीं। हाँ, तो आप सब जान लीजिए कि प्रेगनेंसी में जो मदर ब्लड यहाँ आता है वापस चला जाता है, यहाँ से बेबी ब्लड आता वापस जाता है, इस जगह प्लेसेंटा बोलते हैं, जहाँ से बच्चा माँ के यूट्रस अटैच होता है। सारी शुगर की दवाएं इसको क्रॉस करेंगी, वो माँ का शुगर कंट्रोल करेंगी तो बच्चे का शुगर लो कर देंगी। तो ऐसी दवा देनी है जो शुगर लो ना करे या इसको क्रॉस ना करे। तो तीन ही दवा है, मेटफॉर्मिन इसको क्रॉस करता है बट शुगर लो नहीं करता, इसे सेफ है। ग्लिबेनक्लमाइड इसको क्रॉस नहीं करता, इसे सेफ है। इंसुलिन जो होता है ये यहाँ से मदर ब्लड आता है, यहाँ पे जब यहाँ जाता है तो एक एंजाइम होती है जो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसे कोई हज़ार मीटर लगा ले, कितना भी इंसुलिन लगा ले, बेबी को क्रॉस करके इंसुलिन जाता नहीं है, इसलिए इंसुलिन सेफ है। अब मेरे तरफ रिकॉर्ड करिए, मेरी तरफ, तो इंसुलिन पूरी तरह सेफ है। आपका जो कहना कि इंसुलिन की वजह से आपका बेबी नुकसान हो गया, ये सच नहीं है, ये संभव नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन जो लेते हैं उसे कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। क्या साइड होता है?
माँ का ब्लड शुगर कम हो सकता है। अगर 70 तक ठीक है, 70 लो होगा तो माँ को घबराहट, धड़कन, पसीना, हाथ कांपेगा। और माँ का ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाए, मान लो 30-40 हो जाए, इतना लो हो जाए कि माँ को जान खतरा हो जाए, तो बच्चे खतरा हो सकता है। पर अगर ब्लड शुगर लो नहीं हो रहा, बहुत सीवियर लो नहीं हो रहा, माँ बेहोश नहीं हो रही है, तो बच्चे को खतरा नहीं है। तो प्रेगनेंसी में हम लोग हमेशा इंसुलिन देते हैं, हर रोज़ इंसुलिन देने के बाद रेगुलर शुगर चेक करते हैं। अगर शुगर कंट्रोल हो जब बच्चा पूरी तरह सेफ पैदा होगा, तो आपको जब भी प्रेगनेंसी करनी पड़ेगी तो आपको या तो मेटफॉर्मिन लेनी पड़ेगी, और मेटफॉर्मिन कंट्रोल होना है तो इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ग्लिबेनक्लामाइड कोई देता नहीं, पूरे वर्ल्ड में हार्डली कोई स्टडी है तो हम लोग लिखते नहीं हैं। मेटफॉर्मिन या इंसुलिन दो दवा देते हैं, दोनों सेफ हैं। तो आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिला कि इंसुलिन से बच्चे को नुकसान नहीं होता है, ये अच्छे से समझ लें। और बिना डर के इंसुलिन प्रेगनेंसी स्टार्ट करें और स्वस्थ बच्चा पैदा करें और हैप्पी लाइफ जिए।